दुधिया रोशनी से हमारा गांव जगमगा उठता है सर। अजीब सा परिवर्तन हुआ हमारे गांव में सर। मोदी जी, सिर्फ आपकी वजह से दुधिया रोशनी से नहा गया है मेरा गांव। जो सुविधा सालों पहले की सरकारों के दौरान शहरों में देखी थी, उसे मेरे छोटे से देहात के घर तक पहुंचा दिया आपने। किसी का घर रोशन हुआ तो किसी का सपना, और ये सब हो रहा है पीएम मोदी की सोच और उनके कमिटमेंट की वजह से, उन लाखों कर्मचारियों की वजह से जिन्होंने पीएम मोदी के लिए अपनी कड़ी मेहनत लगा दी। वैसे तो किसी भी योजना को, किसी भी वायदे को वक्त से पहले पूरा करने की पीएम मोदी की आदत है, लेकिन घर घर बिजली पहुंचाने जैसे कठिन लक्ष्य को भी वो काफी पहले पूरा करने जा रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि पीएम मोदी की कोशिशों की वजह से आज हर दिन भारत में 1,00,000 परिवारों के सपने रोशन हो रहे हैं। हर दिन 1,00,000 घरों में बिजली के कनेक्शन दिए जा रहे हैं, और अब 50,00,000 से भी कम ऐसे परिवार रह गए हैं जिनके घरों तक बिजली पहुंचाई जानी है। यानी 2019 आने से पहले ही सरकार इस लक्ष्य को पूरा कर लेगी। पीएम मोदी की इस कोशिश का असर बच्चों के भविष्य पर भी दिखाई दे रहा है। 2016 से पहले जो है मेरे बच्चों का रिजल्ट 50% था। आज लाइट आने से इतना इजाफा हुआ है कि अब मेरे बच्चे आसानी से पढ़ सकते हैं, और आज जो है मेरे बच्चों का परसेंटेज 95 से ऊपर है। 25 सितंबर 2017 को जब पीएम मोदी ने सौभाग्य योजना का ऐलान किया था, उस वक्त देश में लगभग 4,60,00,000 घरों में बिजली कनेक्शन नहीं था। वर्ल्ड बैंक भी पीएम मोदी की इस योजना को दुनिया की सबसे बड़ी सामाजिक फायदे वाली योजना में शामिल कर चुका है। 2014 में जब मोदी सरकार ने सत्ता संभाली थी, भारत आसानी से बिजली प्राप्त करने के सूचकांक में 111वें नंबर पर था, लेकिन अब हमारा स्थान दुनिया में 24वां है। गांव-गांव जगमग करने के बाद पीएम मोदी ने घर घर को ऐसे रोशन किया है मानो आज तारे ही जमीन पर आ गए। सर, बहुत डर लगता था, बहुत अंधेरा था, अब ऐसे लगता है जैसे तारे जमीन पर आ गए।